जीत के लिए बीजेपी का राम प्लान। 2024 का चुनाव बीजेपी और विपक्ष गठबंधन के लिए अहम। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। बीजेपी 2024 में जीत की हैट्रिक बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो वही बीजेपी के सामने अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती खड़ी है। विपक्ष बीजेपी को हैट्रिक से रोकने के लिए एक गठबंधन बनाया। यह गठबंधन 28 दलों का है। विपक्ष की हर मुमकिन कोशिश बीजेपी को हर सीट पर सीधे टक्कर देने की है, ताकि बीजेपी और विपक्ष में 1-to-1 फाइट हो सके और वोटों का बंटवारे को रोका जा सके। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और बीजेपी की पूरी कोशिश प्लान बनाने, रणनीति को अमली जामा पहनाने में विपक्षी गठबंधन को मात देकर उससे आगे निकलने की है। यही वजह है कि जहां विपक्षी गठबंधन विभिन्न मसलों को सुलझाने के लिए बैठक कर रहा है, वहीं बीजेपी अपनी योजना के मुताबिक कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। विपक्षी गठबंधन सीट बंटवारे में उलझा है। अभी तक इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। वहीं बीजेपी ने जीत की हैट्रिक का प्लान सेट कर लिया है। हैट्रिक का जो प्लान बीजेपी ने बनाया है वो है राम प्लान। आर का मतलब है आरएसएस, ए का मतलब है अयोध्या और एम का मतलब है महिला और मुस्लिम फैक्टर। 14 जनवरी हर मास के बाद बीजेपी मिशन 2024 को नई धार, नई रफ्तार देने वाली है। जीत की प्लानिंग को फुल प्रूफ बनाने के लिए जेपी नड्डा ने महासचिवों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रणनीति बनी। 2024 के चुनाव में भव्य राम मंदिर का निर्माण एक अहम मुद्दा बनने वाला है और बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी भरपूर साथ मिल रहा है। संघ ने 24 मार्च तक करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन करवाने का प्लान बनाया है। हर 100 श्रद्धालु में संघ का एक स्वयंसेवक व्यवस्था देखने को अपॉइंट किया गया है। बीजेपी सिर्फ हिंदू वोट पर नजर रख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर भी है, उसके लिए अलग से काम चल रहा है। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम भी 15 जनवरी से चलाने जा रही है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा की बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है, जिसे मुस्लिम समाज की महिलाओं को बीजेपी से जोड़ने की रणनीति पर चर्चा की गई। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना लक्ष्य तय कर दिया है। बीजेपी का लक्ष्य 400 से ज्यादा सीटें जीतकर राजीव गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ना है। बीजेपी अपने मकसद में कितना कामयाब होगी, ये बीजेपी रणनीति संगठन में तालमेल पर निर्भर करेगा। एएमवी रिपोर्ट। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बिनू मेनोन जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से, और मनराज गुर्जर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कुछ देर में संदीप त्रिपाठी भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। बिनू जी, तो बीजेपी का राम प्लान 2024 के लिए? बीजेपी के लिए जो है राम कोई प्लान नहीं है। राम हमारे आस्था का विषय है, हमारे देश के आस्था का विषय है। नहीं, यहाँ राम की फुल फॉर्म अलग है, लेकिन बिनू जी, आर मतलब आरएसएस, ए मतलब अयोध्या और एम मतलब महिला और मुस्लिम। देखिए, कोई भी बात, कोई भी अपनी रूपरेखाएं बनाए वो अलग चीज है। राम हमारे लिए आस्था का विषय है और भगवान राम जो है हमारे लिए नहीं, हमारे पूरे देश के लिए आस्था का विषय है, जिसका विरोध जो है कांग्रेस हो चाहे विरोधी पार्टियां हो, ऑपोजिशन हो, समय समय पर करती आ रही है। और हमारी पार्टी जब दो सांसद थे
और आज 303 है। हमारी आइडियोलॉजी ना तब बदली ना आज बदली है ना आगे बदलेगी। हमारा स्टैंड हमेशा से लेकर क्लियर रहा है भगवान श्री राम को लेकर। यही नहीं, हमारी हर आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी पे हम चलते हैं वो स्थिर रहा है। कांग्रेस की तरह टाइम टू टाइम बदलना या कभी हिंदुओं को गाली देना, मंदिरों में जाने वालों को लड़की छेड़ने वाले बताने वाले हैं राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी जो एफिडेविट फाइल करती है कि भाई राम डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे लोग इलेक्शन के टाइम पे अपने कुर्ते के ऊपर, अपने कोट के ऊपर जनेऊ धारण करके आ जाते हैं नकली हिंदू बनकर। तो ये ऐसी आइडियोलॉजी जो है बीजेपी की नहीं है। कार सेवकों पे गोली चलाने वाले आज जो है इन्विटेशन के लिए बात कर रहे हैं। राम मंदिर या भगवान स्वामी प्रसाद मौर्य का तो बयान भी आ गया कि कार सेवकों पर, बिनू जी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान तो ये भी आ गया कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई थी वो सही थी। तो वही मैं कह रहा हूं ना, ये मैं तो यही चीज आपके सामने रख रहा हूं। ये कार सेवकों पे गोली चलाना बिल्कुल जायज ही बताएंगे। इनका जो है हिंदू विरोधी चेहरा तो सबके सामने है। अब भी क्या कर रहे हैं, ये मंदिर, तेजस्वी यादव को देख लो, चाहे सपा को देख लो, चाहे कांग्रेस को देख लो, तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं कि भाई अगर पंडित के पैर टूटेगा तो कहां जाएगा, भूख लगेगी तो कहां जाएंगे। अरे इस मूर्ख व्यक्ति को यह नहीं मालूम है कि कई मंदिरों के एजेस में कई सारे हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज जो है चैरिटेबल चलते हैं, कि मंदिरों से जो है पुअर फीडिंग डेली चलती है। ये मूर्खों की जो जमघट जो है, जो इंडिया अलायंस बनकर बैठे हैं, ये नकली हिंदुत्व और जो हिंदुओं के प्रति जो इनकी हेट्रेड है, जो घृणा है, वो सामने है हर तरीके से। आप देखें आज तक जो है, आपको याद होगा 1976 की बात है, जब खुदाई चालू हुई, जब मंदिर के अवशेष निकलने लगे तो इंदिरा गांधी जी ने खुदाई बंद करवा दी। ये खुद केके मोहम्मद जी ने बताया है, जो उस टाइम पे ज्वाइंट डायरेक्टर थे, जो इस एक्सकेवेशन टीम को लीड कर रहे थे। तो ये जो है एक पूरी तरह से एक जो मिली भगत जो है, एक अपीसमेंट की राजनीति जो चलाई है इन लोगों ने, एक हिंदुओं के प्रति जो है एक ऑर्गेनाइज्ड जो है, आप हर तरीके से देखेंगे हिंदुओं को। आप इलेक्शन के टाइम पे देखिए, इलेक्शन के टाइम पे किसी भी एरिया में हिंदुओं को बांटा जाता है कि यहाँ पे ब्राह्मण वोट इतने, यहाँ पे दलित वोट इतने, यहाँ पे जाट वोट इतने, यहाँ पे राजपूत वोट इतने। आज तक आपने इन लोगों के मुंह से ये सुना है यहाँ पे शिया वोट इतने, यहाँ पे सुन्नी वोट इतने? ऐसा नहीं होता। ये हिंदुओं को बांट कर जीतने की इन्होंने राजनीति जो है ये चला रखी है। और भगवान श्री राम को लेकर जो है इन लोगों ने हमेशा हिंदुओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां देने से कभी नहीं चूके। पूरा इंडियन अलायंस इससे भरा हुआ है, चाहे इनके अलायंस को देख लो, डीएमके के देख लो, स्टालिन को देख लो। ये बड़े गर्व से जो डीएमके पार्टी के सांसद हैं, बड़े गर्व से कहते हैं कि 500 साल पुराना मंदिर मैंने ढा दिया तमिलनाडु में। तो इनकी जो मानसिकता है, जो इनकी घृणा है हिंदू धर्म को लेकर या हिंदुओं को लेकर, ये सबके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है, ठीक है मनराज जी, जो राम प्लान बीजेपी ने बनाया है, आर मतलब आरएसएस, ए मतलब अयोध्या और एम मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर, तो यानी कि बीजेपी की नजर सिर्फ हिंदू नहीं मुस्लिम वोट पर भी है। किराना जी, ये समय, इस प्रकार के समय पे भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मन मुताबिक उनके द्वारा निर्धारित किए गए सारे के सारे मैनिफेस्टो का भी परिणाम वाकई देश की जनता देख रही है। आज इसलिए हम कहते हैं क्योंकि 1980s के दशक में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर लाएंगे, बनवाएंगे, हम 370 को हटाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था उसका विपक्षियों ने कितनी बार मजाक उड़ाया। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने 1980s के दशक में मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के लिए साहबा में एक महिला के पक्ष में आए हुए बयान को पलट दिया ताकि मुसलमान नाराज ना हो। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए, ये होता है समय का फेर भी। एक समय था जब इंदिरा गांधी ने संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाले संतों पर गोलियां चलवाई, महिला मुस्लिम महिला को जब उसका हक मिला तो राजीव गांधी ने महिला तुष्टिकरण की नीति अपनाकर उसको फैसले को संसद में बदल दिया। आज भारतीय जनता पार्टी इस सब का फायदा उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास ये अवसर है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक को एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा पार्टियों से भी ऊपर उठकर है।
पार्टियां हमेशा हो सकती है कि किसी मैनिफेस्टो या चुनावी राजनीति के परिदृश्य से लक्ष्य निर्धारित करती हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा है इस राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की सभ्यता को ऊपर उठाना, उसके आगे सब कुछ यानी वैश्विक स्तर पर इस देश की जो ऐतिहासिक गाथाएं हैं उन गाथाओं को ऊपर उठाना, राष्ट्रवाद के डायमेंशंस के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना। आज राम जो प्लान आपकी स्क्रीन पर चल रहा है राणा जी, ये राम प्लान वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर सिद्ध साबित होने वाला है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने तो महिला रिजर्वेशन का बिल लाए लेकर ही आ गए। कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में रहने वाले सभी दलों ने जब महिला आरक्षण बिल को संसद में लाया गया था तो सबने विरोध किया और कांग्रेस पार्टी उसको सेटल नहीं कर पाई। हम सबने एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की मूवी देखी है, हमने देखा कैसे संचालित हुआ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये राम प्लान 2024 की सफलता का परिणाम है। 2024 की अंदर भारतीय जनता पार्टी कैसे सरकार बनाएगी इसकी रूपरेखा अभी से तैयार हो गई है। ठीक है, संदीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और स्वागत है आपका संदीप जी एएमवी नेटवर्क पर। संदीप जी, राम प्लान के तहत चल रही है बीजेपी, आर मतलब आरएसएस, ए मतलब अयोध्या और एम मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर, और इससे साबित करना चाहती है सबका साथ सबका विकास। देखिए राणा जी, महापुरुषों ने और पुराने हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें एक बात कही गई है, कलयुग एक नाम अधारा। तो आज एक नाम के आधार पे दुनिया चल रही है, राम के नाम पर भाजपा चल रही है, अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक या भाजपा प्रवक्ता टू कह ले, वो पूरी बातें उनकी हाइपोथेटिकल थी। राणा जी आपने टोका नहीं, थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपको उनको टोकना चाहिए था कि अभी उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का हमने विरोध किया। इनको पता ही नहीं है महिला आरक्षण के इतिहास को, कि हम बिल लेके आए थे, भाजपा विरोध कर रही थी और हमने उस बिल का विरोध किया ही नहीं, हमने नहीं, उसका कहना था कि जो आपके सहयोगी हैं उन्होंने विरोध किया था, किसी ने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया मैंने, कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया, ध्यान से सुनना। अरे किसी ने नहीं किया, किसी भी ने, किसी किसी एक व्यक्ति ने। लालू यादव ने संसद में नहीं बोला था रिजर्वेशन में रिजर्वेशन, ओबीसी में ओबीसी रिजर्वेशन की बात नहीं की लालू यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने बात नहीं की। नहीं नहीं संदीप की गलत बात को मैं खंडन करूंगा, तुरंत करूंगा, अगर आप गलत बोलेंगे तो खंडन करूंगा। कुछ नहीं आता जाता है, फर्जी बात कर रहे हो, एक एक करके बात करेंगे। आपको क्या आता है सदन के सदस्य हैं लालू जी, कौन से सदन के सदस्य हैं लालू जी? लालू जी लोकसभा में रहे हैं, 2007 की बात कर रहा हूं मैं। अरे मैं अभी की बात नहीं कर रहा, आप ध्यान से सुनिए पहले स्टेटमेंट को, आप कुछ भी मत बोलिए अपनी बात को साबित करने के लिए। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था, भारतीय जनता पार्टी का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ही की विचारधारा से प्रेरित रामचंद्र गुहा ने किताब लिखी है, रामचंद्र गुहा की किताब उठाकर देखिए आप। मैं आपको भिजवा दूंगा, आपको किताब की कॉपी भिजवा दूंगा, रामचंद्र गुहा की किताब की कॉपी भिजवा दूंगा। आपकी क्षमता, भाजपा के यहाँ से पैसा नहीं आएगा तो आप किताब नहीं खरीद पाएंगे, हमको क्या भिजवाएंगे? भिजवाने के एड्रेस लिखिए। संदीप जी, मुद्दे पर आ जाइए। कांग्रेस पार्टी के खजाने से आपका घर चलता होगा। सोनिया गांधी की चाटुकारिता करने से आपका घर चलता होगा। राहुल गांधी की चाटुकारिता करने से आपका घर चलता होगा। किसी के ऊपर इस प्रकार के आरोप बिना तथ्यात्मक तरीके से नहीं लगा सकते। मैं भी यही कह रहा हूँ कि पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। संदीप जी, संदीप जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा, मैं अपनी काबिलियत से खा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, इस चीज के इस प्रकार के बयान देकर आप क्या मनराज जी करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं उन्हें टोक चुका हूँ इस बात पर कि पर्सनल कमेंट नहीं होंगे। संदीप जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा है, सवाल मेरा सुन लीजिए, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। बीजेपी का टारगेट है कि राजीव गांधी से ज्यादा सीटें इस बार लाई जाए, 400 पार किया जाए। आप सीट बांट नहीं पा रहे हैं इंडिया गठबंधन में और वो प्लान पर प्लान बना रहे हैं। ठीक है सर, हाँ सही बात आप कह रहे हैं, उन्होंने अपना दल को डिसाइड कर लिया कितनी सीटें देनी है, संजय निषाद कितने पे लड़ेंगे डिसाइड कर लिया है सर, उनको डिसाइड कर लिया है कि जो है राजभर जी को कितनी पार्टी देनी है।
मतलब निमसेक मेहर गांव भर एक भौजाई। अरे हम विपक्ष में क्या है, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता पक्ष से क्या नहीं पूछ रहे हैं कि भैया अपने दल को कितनी सीटें दे रहे हैं? पूछा किसी ने? क्या नहीं पूछते? अपना दल को डिसाइड हो गया क्या कि कितनी सीटें पे लड़ेगा, या अन्य पार्टियां जो उनके 38 दल गठबंधन में है, ये डिसाइड हो गया क्या कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा? लेकिन लेकिन नहीं दिक्कत ये डिसाइड है ना हुआ, कि सुनिए, सवाल आप ही की तरफ से उठ रहे हैं। अखिलेश कहीं यादव नहीं उठ कहते रहा हैं है। कि हमें सीट इतनी अरे चाहिए, ममता बनर्जी अलग राग अलापती हैं, अरविंद केजरीवाल गुजरात में जाके उम्मीदवार घोषित कर देते हैं। हो गया सर, अगर आपकी अनुमति हो तो हाँ नहीं, हमारी आप बात ही से पूरी सवाल है मेरा करता ये। हूं। नहीं, बात तो आ जाने के, जवाब भी तो सुनिए ना। सवाल आपने कर हाँ लिया, वही घुमा के आप फिर से पूछ रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से आवाज आ रही है, तो शिवराज सिंह जी कहते हैं अपना दुखड़ा रो रहे हैं। आपने मीडिया में किसी किसी मीडिया संस्था ने स्थान दिया क्या? उनके अंदर का झगड़ा है। बताइए, एक सीएम, आप मान लीजिए एंकरिंग कर रहे हैं, आपकी जॉब अगर चली जाए और आप किसी और संस्थान में नौकरी भी ना कर पाए, और आज एंकर से आप बन जाए जो है जाकर गेस्ट कोऑर्डिनेटर का काम करने लगे, तो आप कितना जो है सरवाइव करिएगा चैनल के लिए? नहीं नहीं करिएगा लेकिन ना? लेकिन संदीप जी, नाराजगी दोनों तो बातें एकदम अलग सुनिए, हैं, दोनों नहीं बातें अलग एकदम नहीं अलग है, हैं। और शिवराज नहीं जी के जिस अलग नहीं बयान है की बात आप कर रहे हैं, उस पर भी मैं सवाल पूछ चुका हूं। सर, अनुमति हो तो मेरी बात आ जाने हाँ, तो दीजिए। इसीलिए मैं कह मेरे रहा हूं ना, क्या, इसीलिए मुद्दे पर ही आ जाइए ना, आप भटकाइए मत, मुद्दे पर ही आ जाइए ना नहीं डायरेक्ट। हम भटका नहीं रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो है इंडिया गठबंधन में ये सब बातें चल रही हैं, तो इससे ज्यादा इंडिया गठबंधन छोड़िए, भाजपा में बातें चल रही हैं। इतनी नाराजगी है, इतनी नाराजगी है कि पूछिए मत। नाराजगी तो इतनी, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि आरएसएस जो है राष्ट्रवाद की बात करता है। किसान जब मर रहे थे, 1,000 किसानों ने शहादत दी और भाजपा ने उस कानून को वापस भी लिया, आरएसएस खड़ी हुई क्या? ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इतने दिन झंडा नहीं फहरा, ये राष्ट्रवाद का प्रतीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। मैं तो ये पूछता हूँ कि आरएसएस कौन सी देवी देवता की पूजा करता है? राम जी की पूजा शुरू करवाइए मुनराज जी जो है आरएसएस की शाखा में। वो जो पूजा स्टार्ट करते हैं वो राम जी की मूर्ति रखकर स्टार्ट कर दे पूजा। गए हैं कभी शाखा में? हम तो गए हैं, हम नहीं तो देखे हैं, संदीप, आप गए नहीं होंगे। संदीप हम जी, तो नहीं, संदीप जी, सवाल पर तो आ डिस्टिंक्ट जाइए। मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि राम प्लान से। लेकर अरे बीजेपी चल रही देखिए है। मेरा संदीप सवाल, जी, संदीप जी से आऊंगा, बीनू जी, आप बीनू जी, गलत आप ही के पास गलत आ रहा हूं मैं, आप गलत ही के जगह पास आ रहा हूं बैठे मैं। हुए हैं और गलत संदीप जी, पार्टी का बड़ा बड़ा पक्ष ले सीधा रहे हैं। सवाल था कि राम प्लान लेकर चल रही है बीजेपी, तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? हम बता रहे हैं ना, वही बता रहे हैं सर कि इनका जो इनके राम जो है, इनके राम जो है शंबुक वध वाले राम है। हमारे राम जो है सबरी के राम है। राम वाले सब है, भारत का एक एक नागरिक राम वाला है, लेकिन राम के कौन से चरित्र को लेकर कौन चल रहा है, बात इसकी होती है। ये शंबुक शंबुक को मारने वाले राम के साथ है, हम जो है सबरी के झूठे बैर खाने वाले राम के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के राम में और हमारे राम में पहला एक अंतर है। दूसरी चीज, आज हमारे जो है शंकराचार्य सनातन धर्म के जो मुखिया है, जिनको शंकराचार्य कहा जाता है, चार पीठ के चारों पीठाधीश्वर नाराज है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ठीक ये है गैर संदीप, सनातनी संदीप जी, गैर संदीप सनातनी जी, काम हो रहा है। संदीप जी, हम इनकी बात सुने, इन इन चंदे संदीप चोरों की जी, बात सुने, चंदा चोरों की बात सुने, अपने अपने शंकराचार्य की बात ना सुने। संदीप जी, लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव ने दिए हों या आज फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया हो, उनका यह कहना है कि जो ये कार सब सेवकों पर गोली शंकराचार्य के चली थी वो शिष्य ठीक हैं, चली थी। ये सनातन धर्म के मुखिया के शिष्य हैं और सनातन धर्म के मुखिया के साथ खड़े हैं। अगर हमारे सनातन धर्म के मुखिया कहते हैं कि चंपत राय चट्टा लंपट और जो है चंदा चोर है, तो हम ये बात कहेंगे, क्योंकि हमारे सनातन के मुखिया कह रहे हैं कि चंदा चंपत राय ठीक है कौन बिनु जो जी। कहता है, जो ये कहता है कि ये हाँ मंदिर जो संदीप जी, है, संदीप जी, अब ये समय भी कम मंदिर, ये बचा है। सनातन संदीप जी, संप्रदाय सनातन को ये बांट रहे हैं जिस, संदीप सुनिए जी, एक महत्वपूर्ण बात कर, संदीप एक जी, महत्वपूर्ण संदीप कर जी, जी, मात्र 10 सेकंड की बात, हाँ दस सेकंड नहीं, की बात, बिल्कुल, बड़ा संक्रांत समय कम बचा है संदीप मात्र जी। दस मात्र 10 सेकंड, उसके बाद पूरा टाइम इनको दे हाँ दीजिए। ठीक है, जब शंकराचार्य जी, एक समय शंकराचार्य भगवान आते हैं इस धरती पे, और जो ना जो सर्व संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और बहुत बहुत संप्रदायों में जो है सनातन बटा हुआ था, उसका एकीकरण करते हैं, फिर ये कौन से लंपट और चंदा चोर लोग हैं जो आज फिर सनातन को सैव और राम संप्रदाय या अन्य संप्रदायों में बांटने का काम कर रहे हैं?
ठीक अब है इतना जानना ठीक है चाहते ठीक है हैं। ठीक है, जवाब दीजिए बिनु जी। जी देखिए, शंकराचार्य पे वेदना जताने वाले ये वही बिनु जी हैं जब आवाज नहीं आ रही है शंकराचार्य सर। जी को रात को जो है एक मुर्गी को उठा के ले जाने की तरह पुलिस स्टेशन पुलिस वाले ने मर्मरता से लेके गए, इनके मुंह से एक आवाज नहीं आवाज आ आई। नहीं रही है सर। ये वो लोग आज हाँ एक बार शंकराचार्य जरा जी पे साउंड चेक वेदना कर जता रहे लीजिएगा, हैं आवाज नहीं पहुंच और रही है इन्हीं के कैप्ट पार्टी पंडित जी के को। सांसद जो हैं, बीनू जी की सॉरी, आवाज इन्हीं के पार्टी के सांसद हैं आ नहीं रही। जो भगवान श्री राम के मंदिर के खिलाफ जो है सुन्नी बोर्ड के वकील बने, कपिल सिब्बल। ये इन्हीं की वही पार्टी है जिन्होंने जो है जी कोर्ट में जी एफिडेविट फाइल किया कि श्री राम डज नॉट एग्जिस्ट। इनके पार्टी के सर्वा ठीक सर्वे है राहुल ओके गांधी ये कहते हैं कि मंदिर में लोग जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, और ये देखिए आज हमें देखिए हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आया। और इनकी हर तरह से नीति ऐसी रही। 1976 में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, 1976 में जब खुदाई के दौरान जब हिंदू मंदिर के अवशेष मिले तो इंदिरा गांधी जी राणा ने खुदाई जी, बंद करवा दी। आपके ये माध्यम से बात मैं जो है भाई केके को मोहम्मद सुन जी पा ने रहा हूँ, अपने सुन नहीं किताब पा में भी रहा है, लिखी है, इसलिए केके जवाब देना मोहम्मद मेरे जी ने लिए अपनी कॉम्प्लेक्स। इंटरव्यू बिल्कुल में बिल्कुल, बोला एक इस बार बात जरा को। टेक्निकल टीम आज चेक कर हिंदू लीजिएगा, मंदिर संदीप जी चौराहे को पे आवाज़ आप नहीं जा मेरे रही पर है। हो गया है, मैंने नहीं आज की, आप बैठ के बाकी विलाप रहे बिनु हैं और जी की हिंदू आवाज़ मंदिर नहीं को आ लेकर रही उनको, बेतुकी बातें भारता बोल रहे भरोसा हैं। टू की बराबर तुक्की आ रही मत है। बोलो ना, आप आज कह रहे हैं कि वो बिनु जी बिनु सत्ता जी नहीं है, मेरा सत्ता सवाल नहीं है। यह है कि भाई 400 हमारे पार यहां का भी तो टारगेट डिसिप्लिन आपका, है, समय कम है। हमारे यहां भी तो डिसिप्लिन बिनु जी है। बिनु जी आप बिनु यहां जी पे लठ बच गए थे, आपके बिनु जी यहां तो बिनु लोग जी आज बिनु सार्थक बच जी गए थे, गहलोत बिनु गुट में जी और पायलट गुट में। बिनु जी बिनु और जी समय कम है, मैं आपसे पूछना चाहता जी हूं कि 400 पार का टारगेट आपने दिया, तो क्या ये जी राजीव गांधी के उस टारगेट को उससे कंपटीशन कर लिया है आपने? देखिए, हमारा कंपटीशन किसी चीज से नहीं है, हमारा जो है विश्वास है, हमारे काम पर विश्वास है, मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है, मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड पर विश्वास है। आज जो है देश का जन जन जो है मोदी जी पे विश्वास करता है। ठीक और है हमारा ठीक जैसे है अभी ठीक थोड़ी देर पहले मैंने बताया और ठीक महाराज जी ने भी बताया, हम ठीक अपनी मैनिफेस्टो से, अपनी आइडियोलॉजी से कभी हटे नहीं है, कभी भटके ठीक नहीं है ठीक है है। ठीक है इनकी ठीक है तरह दिन हाँ रात ठीक है जो है अवसर ठीक के है ठीक है, हिसाब से लौटता हूँ बदलने लौटता वाले हूँ लौटता लोग हूँ। बिनु नहीं जी बिनु है। जी समय कम बचा है। हाँ मनराज गुजर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, संदीप जी की आत्मा आज सामने आ गई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वो आना चाहते हैं, लेकिन अब क्या करें कि आना आना महारानी नहीं और चाहते भैया, हम रहे हैं, देखिए साकार तो किए हैं, आत्मा आप आपकी जबरदस्ती रो रही है, बैन कर उसके रहे हो लिए भाई। मैं आपको आपको बहुत बढ़िया मानता हूं कि आप चलो कांग्रेस पार्टी में रहकर ये हिम्मत रखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक अच्छा काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की बात करता है, किसी किसी देवता क्या में सर किसको नहीं बांटना चाहता। आपकी इस बात की मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन देखिए देखिए संदीप जी, जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं, जिस प्रकार की बात आप कर रहे हैं, आप राम को बांट रहे हैं। आप उस प्रकार राम को बांट रहे हैं जैसे इस देश को जातियों में बांटा, इस देश को वर्गों में बांटा, इस देश को समूहों में बांटा। यह आपकी कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र 1950 से लेकर आज दिन तक रहा है। उस पर अब मैं कहूंगा तो आप फिर कह देंगे कि नहीं नहीं ये बात है, लेकिन हाँ कांग्रेस पार्टी ने अच्छा काम ठीक किया है है। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार पर अच्छा काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने देश के दलितों पिछड़ों के साथ अन्याय दुराचार करके अच्छा काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के आरक्षण बिल को पास न करवा पाई ये करके अच्छा काम ठीक किया है, है कांग्रेस मनराज पार्टी जी ने मनराज जी प्रधानमंत्री के पद की मनराज गरिमा जी को कमजोर करने का मनराज अच्छा जी काम किया है। मनराज जी आपकी मनराज प्रशंसा जी मात्र है, आपकी प्रशंसा होनी मनराज चाहिए। जी मनराज जी समय कम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो राम प्लान बीजेपी लेकर आई है, तो क्या इसके तहत 400 पार का आंकड़ा छुएगी, और क्या साथ ही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति पूरी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये जो पॉलिसी है सबका साथ हाँ सबका विकास, वो शुरुआत से ही है। लेकिन 400 प्लस आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये समय की परिस्थितियां बताएगी, लेकिन वर्तमान ठीक है संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय ठीक है जनता पार्टी अपने इस लक्ष्य तक पहुंचती हुई नजर ठीक है आ रही है, ठीक क्योंकि ठीक है कांग्रेस ठीक पार्टी और विपक्षी दल में जिस प्रकार से घमासान मचा हुआ है ये कहीं ठीक ना है कहीं कांग्रेस, ये ठीक है भारतीय संदीप जनता जी पार्टी को संदीप जी मजबूत ठीक है प्रदान ठीक है, करेगी। समय कम है संदीप जी, 30 सेकंड आपके पास, जवाब दीजिएगा कि इस प्लान के लिए आपके पास क्या प्लान है इसके तोड़ के लिए? नहीं, वो उनका प्लान है, हमारा प्लान अलग है, कोई तोड़ ओड़ की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अभी हमारे मेरे साहब ने बताया कि मोदी जी की गारंटी, बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है ना सर, 2 करोड़ रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी जो है 2022 तक दुगना कर देंगे, और जो ठीक है है जो 100 स्मार्ट सिटी भी बनाएंगे, और ठीक काला ठीक धन भी लेके आएंगे, भले वो अडानी के खाते में जमा कराएंगे, ठीक है जो है ठीक है एयरपोर्ट अडानी को भेज ठीक डालेंगे, ठीक इस गारंटियों के आधार पर जनता देख रही है। ठीक है, आओ शुक्रिया आप तीनों ना, मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में छोटा जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अब ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी राम प्लान लेकर आई है, राम आर मतलब आरएसएस, ए मतलब अयोध्या, और एम मतलब महिला और मुस्लिम फैक्टर, यानी कि सभी को साधने का प्लान है। अब इसी के तहत अब देखना यह होगा कि विपक्ष इसके लिए क्या तोड़ के लिए इसके तोड़ के लिए क्या प्लान लेकर आता है।
लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।